हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। अपने कम्युनिटी टैब पर मैंने एक क्वेश्चन इनपुट किया था कि एचआर टैग किस प्रकार का टैग होता है। ये स्टैंड अलोन होता है, मींस कि कंटेनर टैग होता है, या एम्प्टी टैग होता है। स्टैंड अलोन यानी एम्प्टी, ओके। ये पेयर्ड टैग होता है या सिंगुलर टैग होता है, ये भी कह सकते हैं आप। तो ये क्वेश्चन मैंने इनपुट किया था और इस क्वेश्चन का जवाब भी आया हुआ है, तो आज इसी की बात करने वाले हैं। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर लिखता हूं HTML, ठीक है। HTML एक कंटेनर टैग होता है, इट मींस कि ये ओपन किया हमने, अब इसको क्लोज भी करना है, तो इस तरीके से इसको क्लोज कर देते हैं। इसे क्लोज करना कहते हैं, ठीक है। फिर यहां पर आएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहां पर आने के बाद फिर यहां पर क्या करेंगे, हेड टैग लगा लेंगे। तो ये हेड टैग लगा लिया हमने, फिर एंटर प्रेस करते हैं, यहां पर आते हैं और यहां पर हेड को क्लोज कर देते हैं। इट मींस कि ये भी एक कंटेनर टैग है, ठीक है। एंटर प्रेस किया, अब यहां पर टाइटल टैग रह गया है, तो ये टाइटल भी लगा लेते हैं। तो ये टाइटल लगा लिया हमने, टाइटल भी एक कंटेनर टैग है, तो इसको भी क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये टाइटल टैग को भी क्लोज कर दिया। अब देखिए सबको मैंने क्लोज कर रखा है, यहां पर एक टैग रह गया है, बॉडी टैग। तो अभी हमें बॉडी टैग लगाना है, ठीक है। बॉडी टैग कहां लगाएंगे, ये सब क्लोज हो गया। अब यहां पर आप बॉडी टैग लगा लीजिए आराम से, ये लगा लिया बॉडी टैग, और ये भी एक कंटेनर टैग होता है, तो यहां पर ओपन होगा, तो ये भी क्लोज होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अब ये हो गया। अब यहां पर टाइटल में क्या दे देते हैं कि लाइक हम पढ़ रहे हैं टैग्स के बारे में, तो है ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसको सेम मत समझिएगा। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, बॉडी टैग पर कुछ लिख देता हूं, लाइक मैं लिख देता हूं काइट, ठीक है। और इसको पहले से काइट नाम से ही मैंने सेव कर रखा है, kite.html, इसको सेव कर देता हूं। तो अभी देखिए ये हमारा प्रोग्राम पूरा हो चुका है, और देखिए यहां पर HTML है, ये HTML हो गया, HTML, ठीक है। अब इसको सेव कर देते हैं यहां से, तो ये सेव कर दिया हमने। और सेव करने के बाद क्या करना है हमें, अब इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं एक बार। तो डबल क्लिक किया, ओपन करते हैं इसको, देखते हैं क्या होता है। ये देख सकते हैं यहां पर काइट प्रिंट होकर आ रहा है, और ये बहुत छोटा सा है, इस पर कोई एट्रीब्यूट अभी तक नहीं लगा है। मींस कि एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन टू टैग। और टैग क्या होता है, टैग एक प्रकार का जैसे कि आपका कंटेंट कैसा दिखेगा वो होता है टैग, ठीक है। यानी कि आप जो वेब पेज बना रहे हैं उसकी डिजाइन, उसके कंटेंट क्या होंगे, वो होता है टैग। यानी कि सिंपली कह सकते हैं टैग इज अ काइंड ऑफ मार्कअप विच इंडिकेट्स हाउ टू कंटेंट ऑन अ वेब पेज शुड लुक, ठीक है। तो ये हो गया टैग। अब इस पे एट्रीब्यूट यूज करते हैं हम, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे कंटेनर टैग। कंटेनर टैग तो आपने देख ही लिया, स्टैंड अलोन टैग या एम्प्टी टैग के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस पे एट्रीब्यूट लगाते हैं। तो यहां पे आ गए हम, और यहां पर बॉडी दिख रही है। यहां पर मैं बॉडी के बैकग्राउंड पर कलर लगा के दिखा देता हूं आपको, बॉडी बीजी कलर इज इक्वल टू, अब यहां पे कोई कलर लगा लेता हूं, फॉर एग्जांपल यहां पे ग्रीन ही लगा लेता हूं, आपको जो ठीक लगे वो कलर लगा सकते हैं। तो ये देखिए यहां पर ग्रीन कलर लगा दिया है हमने, और अब इसको सेव करने की बारी है, तो यहां से सेव कर दिया। अब इसको दोबारा से रन करवाता हूं, तो ये देख सकते हैं पूरे बैकग्राउंड पर ग्रीन कलर आ चुका है, ठीक है। इसे कहते हैं एट्रीब्यूट, ये देखा आपने बीजी कलर, बीजी कलर ये कहलाता है एट्रीब्यूट, इतना, ठीक है। अब इसी तरह से अलग अलग एट्रीब्यूट्स आते हैं। फिलहाल अभी हम चलते हैं, एट्रीब्यूट तो समझ में आ गया, टैग भी समझ में आ गया, अब चलते हैं हम सीधा कहां पर, स्टैंड अलोन टैग पर। यानी कि यहां पर देख सकते हैं काइट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहां पर H1 टैग यूज कर लेते हैं। H1 भी एक कंटेनर टैग होता है, तो यहां पे लिख दिया मैंने H1, साइज बड़ी हो जाएगी इसकी, काइट जो लिखा हुआ है, तो ये हमने लगा दिया H1, और इसको क्लोज भी कर दिया। इट मींस कि ये भी एक कंटेनर टैग है। अब यहां पर क्या करता हूं, BR लगा देता हूं। BR यानी कि जो मैंने बताया था, BR जो है सिंगुलर टैग होता है, इट मींस कि ये क्लोज नहीं होता है, ऐसे ही रहेगा ये, और इसका फायदा भी है। अब देखिए ये BR टैग लगा दिया, और ये देखिए ये साइज बड़ी हो गई, तो यहां पर ये काइट इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है। अब क्या होगा कि अगर इसमें एक पैराग्राफ, एक लाइन एक अलग से जोड़ दी जाए, तो वो भी दिखा देता हूं। देखिए यहां पर मैं क्या करता हूं, ये जो H1 लिखा हुआ है इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं, इतना पार्ट, ठीक है, और ब्रेक को भी कॉपी करता हूं, ताकि हमको दूसरे लाइन में चाहिए ये, तो इस वजह से। तो यहां पर देखिए ये ब्रेक टैग यहां पर भी लगा हुआ है, तो ये अलग ही लाइन में आएगा। देखिए अब जब आप इसको चेक करेंगे, तो ये दूसरा वाला काइट जो है अलग लाइन, ठीक है, और ये काफी ज्यादा स्पेस आ रहा है, ठीक है। और ये स्पेस क्यों आ रहा है, ये स्पेस ये ब्रेक टैग के वजह से आ रहा है, आ रही बात समझ में। ये अगर आप एक बार और ब्रेक टैग लगा देंगे तो और ज्यादा स्पेस हो जाएगा। देखिए यहां पर ये मैं दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए ये दो बार ब्रेक लगा दिया, तो ये स्पेस का अमाउंट जो है बढ़ जाएगा,
यहां पे देखिए, ये थोड़ा अमाउंट बढ़ा दिया इसने, तो ये होता है एम्प्टी टैग। अब एक एचआर टैग आता है, एचआर टैग की बात कर लेते हैं। एचआर टैग से क्या होता है, एचआर टैग आपको एक बॉर्डर में करके दे देगा, यानी कि मैं आपको दिखा भी देता हूं किस तरह से इसको यूज करेंगे। यहां पर मैं क्या करता हूं, सीधा सीधा नीचे आ जाता हूं और यहां पर मैं कुछ लिख लेता हूं, लाइक यहां पे मैं लिख लेता हूं H1 टैग में ही लिख लेता हूं या H3 टैग में लिखता हूं H3, यहां से इसको H3 कर लेते हैं इस तरीके से। और यहां पर आके लिखता हूं कंप्यूटर एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम यूजर, परफॉर्म सब ऑपरेशंस एंड गिव द डिजायर्ड आउटपुट, इट इज अ काइंड ऑफ डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। तो ये मैंने लिख दिया और आप देख सकते हैं ये अगले लाइन तक जा रहा है, ये जो है ना एक लाइन में नहीं आ रहा है, अगले लाइन तक आ रहा है। तो अभी इसको रन करवाते हैं, तो यहां से इसको रिफ्रेश कर देता हूं। तो ये देख रहे हैं ये काफी छोटा है और इसकी साइज अगर हम बढ़ाते हैं, लाइक यहां पर भी मैं H1 या H2 इस तरह के टैग यूज कर लेता हूं, H3 यूज किया, H1 यूज कर लेता हूं, H1 यूज किया और H1 को यहां क्लोज भी करना था तो ये क्लोज नहीं हुआ था इस वजह से भी, तो ये H1 को क्लोज कर दिया, H3 लिखा था तो क्लोज नहीं किया था मैंने, और यहां से इसको सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद क्या करता हूं, इसको रन करवा देता हूं। अब जब रन करवाएंगे तो ये देखिए दूसरे लाइन में आ रहा है और इसके चारों तरफ कोई बॉर्डर नहीं बना हुआ है। अभी जैसे ही हम HR टैग को यूज करेंगे, ठीक है, अब ये करता क्या है एचआर टैग, एक्चुअली इट डिफाइंस द साइज और थिकनेस ऑफ द होरिजोंटल रूल्स इन पिक्सल, ठीक है। तो ये काम करता है। अब देखिए ये काम कैसे करेगा एचआर टैग, मैं लगा के दिखाता हूं। यहां पे अगर मैं लिख देता हूं एचआर, लिख दिया, अच्छा इसमें एट्रीब्यूट अगर आप देना चाहते हैं तो एचआर साइज दे सकते हैं, तो यहां पे लिख दीजिए एचआर साइज, ये साइज दे दिया, इज इक्वल टू कितना दे देते हैं 10 दे देते हैं, 4 दे देते हैं, कितना भी जितना देना चाहे उतना दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो सिंपली ऐसे लिख दीजिए या फिर डबल इंटेड कॉमा नहीं लगाना चाहते तो मत लगाइए, इसे डायरेक्टली लिख दीजिए आप एचआर 5, ये लिख दिया हमने। आइए देखते हैं कुछ असर पड़ता है या नहीं, तो इसको डबल इंटेड कॉमा में कर लेंगे हम। तो ये देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, 5 दिया मैंने तो ये देख रहे हैं ये डबल करके इस तरह से ये लाइन आ रही है। अच्छा इसको मैं अगर थोड़ा बढ़ा देता हूं तो क्या होगा, तो यहां पर आते हैं कोड विंडो पे अपने और यहां पर इसको थोड़ा बढ़ाता हूं, ये 5 है ना, इसको मैं 50 करता हूं 50। अब देखते हैं क्या होता है, इसको सेव किया, अब फिर यहां पर आए और यहां से इसको रिफ्रेश कर दिया, तो ये देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। ओके, तो आई होप कि ये बात समझ में आ रही होगी, एचआर टैग अब ये सही है और अब जब इसको एक बार रिफ्रेश कर देंगे तो ये इस तरह से दिखाई पड़ेगा। तो आई होप कि ये बात समझ में आ रही होगी कि इसको कैसे यूज करना है, ठीक है। अब अगर केवल एचआर लिखते हैं तब क्या होगा, तो देखिए अगर आप केवल एचआर लिखते हैं तो यहां पर देखिए ये इसको हटा देता हूं, ये एट्रीब्यूट जो लगाया, अब देखिए इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं, कहीं भी हमने एचआर को क्लोज नहीं किया, ये देखिए ये सेव कर लिया और सेव करने के बाद अब इसको यहां से तो ये इस तरीके से आएगा, ठीक है, देख सकते हैं आप। इसको नीचे अगर लगा दूं तो क्या होगा, यानी कि यहां पर लगा दूं तो यहां पर एचआर टैग लगा दूं इस तरीके से, ये हो गया एचआर। ओके, अब देखते हैं क्या होता है। तो ये देख रहे हैं नीचे से भी एक लाइनिंग आ जाती है, तो ये होता है एचआर टैग। आई होप की बात समझ में आ गई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।